यह शेषनाग की आकृति, यह गणेश जी का धड़, और यह अमरनाथ गुफा, और यह शिव भगवान की जटाएं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं पताल भुवनेश्वर में, और आज हम पताल भुवनेश्वर का रिव्यू करने वाले हैं। बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गाइस, सब चलते हैं गुफा की ओर, और ये गुफा करीबन 90 फीट नीचे जाकर है, और नीचे 130 स्क्वायर फीट मीटर का एक बहुत बड़ा एरिया है, और तमाम कलाकारी यहाँ प्रकृति द्वारा रची गई है। नीचे को उतरने के लिए यहाँ पर कुछ जंजीरों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि कोई यहाँ पर को फिसले नहीं। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर ये गुफा स्थित है। रुक जाओ। गुफा में नीचे आते ही सबसे पहले शेषनाग की आकृति दिखाई पड़ती है। पुराणों में शेषनाग का उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि शेषनाग के ठीक ऊपर पताल भुवनेश्वर है, और पूरी पृथ्वी का भार शेषनाग के ऊपर है। बताया जाता है कि ये शेषनाग के जहर की थैली है, और बाकी जो ये आकृति है ये शेषनाग के दांत है। यहाँ से आगे को चलते हैं, और बताया जाता है कि ये पूरी की पूरी शेषनाग की रीढ़ है। इसे देखते हैं, और बताया जाता है कि गणेश जी का धड़ है, और ऊपर से ये बर्म कमल है, यहाँ से लगातार अमृत गिरता रहा। जब शिव जी ने गणेश जी का धड़ अलग कर दिया था, उसके बाद यहीं से गढ़ गए थे और एक हाथी का सर लेकर आए थे। तब तक इस धड़ को जीवित रखने के लिए ये बर्म कमल से अमृत गिरता रहा। ये हिस्सा भी अपने आप में बहुत खास है, और ये अमरनाथ गुफा की तरह लग रहा है। ऊपर से लगातार पानी की बूंदें टपक रही है, और ये प्रकृति द्वारा रचा गया है, और ठीक अमरनाथ का रूप यहाँ पर बना हुआ है। और ये शिवलिंग जो आप देख पा रहे हैं, ये करीब करीब अमरनाथ गुफा के शिवलिंग जैसा है, हालांकि वहाँ पर बर्फ जमी होती है। और यहाँ पर 5 आपको बद्री भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर विष्णु है, कुबेर है, लक्ष्मी है, गरुड़ है, और यम है, और ये 5 बद्री है। और यहाँ पर केदारनाथ भी है, जिसकी सेम आकृति यहाँ पर प्रकृति द्वारा रची गई है। ये है शिव भगवान की जटाएं, जिसमें भागीरथी और गंगा समाई हुई है। साथ ही 33 कोटि देवी देवता इसी जगह में स्थित है, और यहाँ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुंड भी स्थित है। साथ ही कुंड के ऊपर ये आकृति विश्वकर्मा की बताई जाती है। और ये पताल भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर माना जाता है। 819वीं ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने शिवलिंग की स्थापना की थी। और यह है शिव का कमंडल। इस कमंडल के पास जाकर आप अपनी सारी मनोकामनाएं मांग सकते हैं।
और ये है अरावत हाथी, और ये है हाथी का माथा, और ये है हाथी की सूंड, और ये है हाथी का कान, और ये हाथी के पैर। और कहते हैं कि अरावत के 1000 पैर थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकृति द्वारा कई पैर बने हुए हैं। और ये हमारे पुराणों से जुड़ी हुई कहानी है। और बताया जाता है कि यहाँ से तमाम गुफाएं भी निकलती है, जो कि अलग अलग जगह जाती है, बद्री, केदार, कैलाश, अमरनाथ आदि जगहों पर निकलती है।